हेलो वेलकम यू ऑल ऑन बी ऑफ ब्राइट स्किल क्रांति ओके तो आई थिंक मैक्सिमम लोग आ गए हैं विद इन टू मिनट्स वी गाइस विल स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन एंड विल आवर डिस्कशन ऑन हाउ टू फेस एन इंटरव्यू ओके बिकॉज अभी तक मैक्सिमम लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा एम uh, बी का इंटरव्यू दिया होगा जॉब का इंटरव्यू दिया होगा कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया होगा तो ऐसे हर जगह पे आपने इंटरव्यू दिया होगा क्लियर तो अभी जो अपना डिस्कशन होगा तो उस डिस्कशन में वी गाइज विल डिस्कस इट द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस में वी गाइज विल डिस्कस द टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आते हैं ओके तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आप सुन लीजिए एंड उसके बाद आपको जो भी कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ओके अभी आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं उनको भी आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लिंक को शेयर कर दीजिए सो दैट ऑल व्यूअर्स कैन एन्जॉय दी प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू एंड टुडे वी विल डिस्कस टेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ओके सो लेट्स गो अहेड विद दी इंटरव्यू क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है इंटरव्यू में ओके सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है इंटरव्यू में वो है आपका बॉडी लैंग्वेज तो सबसे पहले विल हैव अ डिस्कशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ओके आप बाकी लोग आने के पहले हम थोड़ा सा इंटरव्यू के अलग अलग क्वेश्चन कैसे होते हैं okay, ओके अलग अलग इंटरव्यू के टाइप्स कौन से होते हैं उसको थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं ओके okay, तो पहला इंटरव्यू होता है पर्सनल इंटरव्यू कि जो आपने अलग अलग लेवल पे दिया होगा पर्सनल इंटरव्यू में होता कैसे है कि आप जिस पर्टिकुलर इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं आपका इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है एंड आपके पूरे पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करता है आप उसके हाथ में रेज्यूमें देते हो एंड दोनों का डिस्कशन चालू होता है यहाँ पे आपके कुछ फाइव टू सिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से आपका कुछ आंसर आएगा एंड इसके हिसाब से उनका डिस्कशन होता है ओके okay? देन uh, आप देख सकते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू होता है देन डिसिप्लिन इंट्री होता है काउंसिलिंग इंटरी होता है क्लोज इंटरव्यू होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू अगर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में अगर आप फर्क देखोगे तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब आपके अलग अलग राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन एक केस स्टडी आपको दी जाती है उस केस स्टडी के ऊपर आप कैसे डिस्कशन करते हो या आपका व्यूज़ कैसे देता है उसके ऊपर एक और आपका प्रेशराइज इंटरव्यू होता है इसके साथ आपका ये अलग अलग सेगमेंट होता है तो जो भी लोग अभी एफ आई के जो भी लोग अभी एस वाई से टी वाई से उनको ये अलग अलग इंटरव्यू के टाइप्स कुछ भी अभी फोकस मत कीजिए आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको आपके करियर के पाँच साल तक आपको आपके करियर के पाँच साल तक फेस करना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू ही कि जहाँ पे एक से दो पैनल मेंबर आपके सामने बैठे होंगे एंड आप उनके सामने जाके अपने पूरे पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो ओके तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते कि इंटरव्यू वर्ड आया कहाँ से तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंटरव्यू वर्ड आया लैटिन मिडल फ्रेंच वर्ड से एंड जिसका मीनिंग है इंटरव्यू का बेसिक मीनिंग है टू सी ईच अदर ओके टू सी ईच अदर ओके तो आई थिंक वी गज विल स्टार्ट विथ आवर प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू तो इंटरव्यू जो आपका होता है तो इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टेल मी अबाउट यूअर सेल्फ तो अभी आप देख देखते होंगे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहला एंड फॉर्मो रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स आपको फॉर्मल्स भी होना है जिस पर्टिकुलर इंटरव्यू को आप जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी का जिस भी कंपनी को आप कंपनी के लिए जा रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए यू शुड गो थ्रू द एंटायर वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ओके तो जो कंपनी के प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पूरा प्रोफाइल आपको समझ में आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली exactly कौन से प्रोसेस के लिए या कौन से सेगमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप कौन से कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो आपका एक फाइल बनना चाहिए उस फाइल में आपके सब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ओके okay? आपका प्रॉपर फॉर्मल फौर, लुक आपके सॉक से ले कर आपके शूज से ले कर ओके okay, आपके शर्ट में प्रॉपर पेन होना चाहिए पेन भी थोड़ा ब्रांडेड होना चाहिए थोड़ा पेन के ऊपर खर्चा कीजिए तो ये सब चीज़ें होके आपका बेसिक एटिकेट्स है दैट आप अपने इंटरव्यू इंटरव्यू के टाइम के पहले 10 मिनट आप वहाँ पे पहुंच जाओगे ओके okay, तो आप जैसे ही वहाँ पे इंटरव्यू के प्लेस पे पहुँचोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द एंटायर थिंग आपको पूरा वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly कौन से टाइप का वहाँ पर एटमोसफेयर है वहाँ पे सी कैमरे लगा है कि नहीं कि जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें करके आपको अपना प्रेशर थोड़ा सा वहाँ पे नॉर्मलाइज़ करना है तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप इंटरव्यू के आ, उस पर्टिकुलर केबिन में और जहाँ पे आपको रखा गया है वहाँ पे आप बैठोगे और जब जैसे आपका नाम कॉल आउट होगा आप अंदर जाओगे ओके तो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस दैट यू मस्ट हैव सीन इन टू योर लाइफ ओके यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग द मूवीज़ या आपने यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ देखे होंगे तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है ओके okay, तो ये नॉर्मल प्रोसेस तक जाने के लिए जो भी एटिकेट्स होता है वो आप एटिकेट्स आपको पूरा करना पड़ेगा लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट गेम चालू होता है अंदर जाने के बाद तो बेसिकली मैक्सिम लोगों ने आपको सिखाया होगा ही कि मैं आई कमीन मैं आई कमीन करने के बाद आप उसके सामने जो आप भी, भी आपको बैठाया जाएगा वहाँ पे आपको बैठना है बैठने के पहले मैं आई कैन आई सीट ओके ये प्रॉपर वर्ड यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर प्लेस के चेयर में बैठोगे ओके तो ये पूरा प्रोसेस हो गया अभी सबसे इंपॉर्टेंट गेम चालू होता है हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ आप एम बी के इंटरव्यू के लिए जाइए आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाइए आप नॉर्मल इंटरव्यू में जाइए कौन सा भी इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जाइए पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट यूअर सेल्फ अब ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने प्रॉपरली कर दिया तो आपका इंप्रेशन प्रॉपरली क्रिएट हो गया अगर ये क्वेश्चन का इंटरव्यू देने में अगर आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो इंप्रेशन क्रिएट होना है वो प्रॉपर लेवल पर क्रिएट होगा नहीं ओके okay? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आप कैसे जस्टिफाई करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में अगर आप ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली मैक्सिम लोग क्या बोलते हैं कि अपना नाम बोलेंगे अपनी हॉबीज़ बोलेंगे ओके okay? बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे तो अभी मैं कुछ एक सिक्वेंस आपको बना के देता हूँ आपको आपको ये पूरा बताता हूँ ये सिक्वेंस को आपके दिमाग में रखिए एंड वेन यू गेट टाइम आप इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कीजिए एंड इसी फॉर्मेट को आगे लेके जाइए ओके okay? तो टेल मी अबाउट यूअर सेल्फ ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ भी भी कभी भी पूछेंगे तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ योर नेम ओके तो मैक्सिम लोग मिस्टेक करते हैं माई सेल्फ तो यहाँ पे आपको बात करने का आई एम आई एम निकेतन तावरे ओके आई एम कम्प्लीटिंग माई टी वाई बैफ आई एम कम्प्लीटिंग माई टी वाई बैफ फ्रॉम डैश डैश कॉलेज आई एम कंप्लीटिंग माई बैफ फ्रॉम आर के टी कॉलेज ओके विथ कंसिस्टेंट ए ग्रेड ओ ग्रेड बी ग्रेड ओके अगर आपको कंसिस्टेंटली सी ग्रेड है तो आप एक गलती से भी वहाँ पे मत बोलिए बराबर तो आई एम निकेतन तावरे आई एम कम्प्लीटिंग माय बैफ फ्रॉम आर के टी कॉलेज विथ कंसिस्टेंट ओ ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड ये आपको मार्क्स पे अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो डेफिनेटली हैव टू से ओके अगर आप छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं ओके या, okay, या कोई लोग एक्सपीरियंस लोग हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशन के बाद बोल सकते हैं सर currently i am working with dash dash company as a account executive okay from last 6 month where i have gathered the skills of talking to the people where i have gathered the skills of managing the people to aap sab sabse pehle aapka naam naam ke baad aapka qualification qualification ke baad aapka professional experience to ye teen cheeze aapko aani chahiye जो अभी student है, definitely उनके पास अभी professional experience नहीं होगा, तो they have to completely focusing on their uh, academic qualification ओके okay, तो नेम एंड आपने बोला एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके बाद आपको जो बोलना है वो है आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको स्टार्टिंग में ही बोलना पड़ेगा तो आप कैसे बोलोगे सर फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स फ्रॉम ला फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव माई टेक्निकल स्किल्स करंटली आई कैन स्ट्रांगली वर्क ऑन पावर पॉइंट एक्सेल प्रेजी पाउटून एंड वेरियस टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वेरियस टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग दैट इज़ यूट्यूब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तो यहाँ पर आपने अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को लोगों के सामने आप लेके आए तो नेम नेम के बाद आप, आपका क्वालिफिकेशन आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज ओके एंड उसके बाद आपको बोलना है सर फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कॉलेज फेस्टिवल्स सर आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉलेज फेस्टिवल्स विच हैज़ इन्हांस माई ओके विच हाज इन्हांस माई इंटर पर्सनल स्किल्स अल्सो विच हाज इन्हांस माई इंटर पर्सनल स्किल्स तो सबसे पहले नेम एकेडमिक क्वालिफिकेशन ओके उसके बाद आपका वॉट वी कैन से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फिर आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज और आपके इंटरपर्सनल स्किल्स ये पाँच चीजें को कॉम्बिनेशन करके हुए आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ को बताया अभी इसके बाद थोड़ा सा दो मिनट का ब्रेक लेने का है एंड उसके बाद आपको बोलना है आई स्टे ऐट कल्याण आई स्टे एट भांडूव विथ माई फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर आप पूरी फैमिली का डिस्कशन मत वहाँ पे बताइए सिर्फ ये एक लाइन में आपने पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया बिकॉज तो आप कहाँ पे रहते हो ये भी बोलना इंपॉर्टेंट है तो पहले पांच चीज़ें बोलने के बाद आप ये चीज़ें बोलोगे देन टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी आपको अब आप ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलते वक्त आपकी आपको आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाना पड़ेगा टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी आई एम हार्ड वर्कर क्रिएटिव एंड हैप्पी गो लकी पर्सन टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी आई एम हार्ड वर्कर क्रिएटिव एंड हैप्पी गो लकी पर्सन ये बोलना आपको बहुत ज़रूरी है ओके okay, तो टॉकिंग अवट माई पर्सनल ये बोलते हो आपका चेहरे पर थोड़ा स्मैल आना चाहिए आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए ओके फुल स्टॉप लास्ट में आपको बोलना है आपके हॉबीज़ के बारे में टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज़ टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज़ आई लाइक टू ट आई लाइक टू टॉक टू दी पीपल आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल आई लाइक टू शेयर माई नॉलेज विद अदर्स ओके तो आप ऐसा आपने ये अपने हॉबीज़ के बारे में बताया ओके okay, और लास्ट में आप जब समराइज़ करोगे लास्ट में आप जब समराइज़ करोगे तो आपको सिंपल बोलना है सर इफ यू आर हैरिंग मी इफ यू आर हाइरिंग मी फॉर यूर कंपनी इफ यू आर हायरिंग मी फॉर यूर कंपनी आई विल ट्राई टू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्डवर्क मैं आपके कंपनी के लिए स्मार्ट वर्क भी करेगा और आपके कंपनी के लिए हार्डवर्क भी करेगा ये लास्ट का डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट का डायलॉग अगर आपने क्रिएट कर दिया तो आपका एक अलग इंप्रेशन हो गया ओके अगेन आई एम रिवाइजिंग सर आई एम निकेतन करेंटली आई एम डूइंग माई आई एम कंप्लीटिंग माई बैग फ्रॉम आर के टी कॉलेज ओके With consistent O grade A grade, full stop. Sir, from last three years, I have taken lots of efforts to improve my technical skills. Currently, I can strongly work on PowerPoint, Excel, Prezi, PowerPoint, full stop. Sir, from last three years, I have also taken lots of efforts to participate in various college festival, which has enhanced my professional skills, full stop. Sir, currently I am staying at Kalyan with my family consisting of my parents and younger brother. Talking of my personality, I am hard worker, creative. एंड हैप्पी गो लकी पर्सन फुल स्टॉप सर टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज आई लाइक टू टॉक टू दीपल आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल आई लाइक टू कीप द्रैक ऑफ वेरियस सोशल मीडिया है इफ यूर हैरी मी फॉर यूर कंपनी आई विल ट्राई टू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्डवर्क मैं आपके कंपनी के लिए हार्डवर्क भी करेगा आपके कंपनी स्मार्ट स्मार्ट वर्क भी करेगा ओके तो ये आपको मैंने कुछ टेलमी अबाउट योर सेल्फ के एक फ्लो बताया इस फ्लो में आप मॉडिफिकेशन कीजिए इस फ्लो में आप थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए एंड आपका एक टेलमी अबाउट यूर सेल्फ प्रॉपरली बना के रखिए बिकॉज कल अगर आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया एम बी किया एम कॉम किया तो आपका सिर्फ ऊपर का क्वालिफिकेशन का लाइन बढ़ेगा नीचे का पूरा सेम रहेगा कल तो अगर आपने कुछ जॉब करना चालू किया तो आपका एक बीच का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का लाइन है वही इंप्रूव होगा बाकी सब सेम रहेगा तो ये टेल मी अबाउट यूर सेल्फ एवरी टाइम इज गोइंग टू बी सेम तो जितने जल्दी हो सके आप खुद का एक इनोवेटिव लाइन्स uh, निकालिए खुद का एक इनोवेटिव आंसर निकालिए ये पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिससे आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक प्रॉपर लेवल पे आ जाएगा ओके आई होप आई हैव कवर दी आंसर ऑफ टेल मी अबाउट यूर सेल्फ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव पॉइंट्स कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है तो लास्ट दो तीन सेमिनार में मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस किया है तो थोड़ा फास्ट मैं इसको कवर करूँगा स्ट्रेंथ मतलब ऐसे पॉइंट्स की जो आपकी पर्सनैलिटी को बाकी लोगों से अलग करते हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि आई एम हार्ड वर्कर आई एम क्रिएटिव आई एम हैप्पी गोलो की पर्सन आई एम हैविंग गुड लीडरशिप क्वालिटी ओके वेन एवर कंपनी वांट्स मी आई कैन गिव प्रेजेंटेशन आई एम गुड एट रिसर्च तो ये मेरी स्ट्रेंथ है सर एंड दैट्स वाई यू कैन हायर मी एंड नेगेटिव पॉइंट्स तो आपको बोलना ही पड़ेगा जैसे मैं लास्ट टाइम सेमिनार में बोला था कि नेगेटिव पॉइंट्स लाइक आई कैन स्पीक इन प्रॉपर इंग्लिश ओके आई कैंट टॉक टू पीपल आई एम इमोशनल आई एम सेंसिटिव ऐसे पॉइंट्स आपको बोलना ही नहीं है ऐसे पॉइंट्स आपको बोलना है कि जिसको बोलने के बाद आपका पॉजिटिविटी लोगों के सामने आ जाए ओके okay, तो आप क्या बात कर सकते हो जैसे मैंने तीन पॉइंट्स लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि आई कान से नो टू एनी बडी आई कान से नो टू एनी बड़ी सर ये मेरा बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है आई कांट वेट फॉर समबड़ी ये मेरा बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है आई एम टू मच वर्कोलिक वर्क प्लस अल्कोलिक इज इक्वल टू वर्कोलिक सर मैं आपने मुझे कुछ भी काम दिया मैं उसमें उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ उसके बाद आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है आई एम टू मच एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया बिकॉज सर मेरे पास मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है उसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बट ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है तो ऐसी चीज़ें आपको बोलना है कि जिससे एट दी एंड ऑफ डे आपका पॉजिटिविटी हो जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इस क्वेश्चन के बाद ही लोग आपको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव पॉइंट्स ओके तो आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा ओके okay, आपके भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट कुछ इस क्वेश्चन को अगर आप अलग तरीके से आंसर कर सकते हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए तो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी इससे ज्यादा सीखने को मिलेगा थर्ड क्वेश्चन आपका है वाई वी शुड हायर यू मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूँ ओके okay, बाकी लोगों को क्यों नहीं सिलेक्ट करूँ इतनी बड़ी कंपटीशन बढ़ रही है इस कंपटीशन में मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूँ बाकी लोगों को क्यों नहीं सिलेक्ट करूँ डेफिनेटली सोचने जैसा ये क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली आपको डेफिनेटली ये आ, समझना पड़ेगा कि आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए बाकी लोगों को क्यों नहीं सिलेक्ट करूँ तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन तो अभी मैं प्रॉपरली जो बोल रहा हूँ ना इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो डेफिनेटली ये अगर हमने अलग अलग स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछा कि वाई शुड वी हायर यू तो मैक्सम लोग क्या बोलते हैं सर मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है ओके मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ uh, uh, मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ ओके आई कैन आई कैन आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स अलग अलग सेंटेंसेस पीपल आर यूजिंग तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यहाँ पे करना है तो जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इसको प्रॉपरली आप समझ के लीजिए इफ़ इन फ्यूचर इफ समबडी इज आस्किंग यू आई शुड वी हायर यू तो उसको बोलना है सर थैंक्स लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन थैंक्स लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन देर आर फोर पैरामीटर्स इन माई पर्सनैलिटी देर आर फोर पैरामीटर्स इन माई पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ विच आई रिक्वेस्ट यू

ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आई विल रिक्वेस्ट यू टू हायर मी फॉर योर कंपनी फर्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक्स सर आपके सामने बैठने के पहले मैं थर्टी सिक्स सब्जेक्ट का सामना करके आया हूँ ओके विथ सक्सेसफुल ए ग्रेड बी ग्रेड वी शोज दैट आई एम एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज सिक्स सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में छः सिक्स सेमेस्टर हर सब्जेक्ट में सिक्स सेमेस्टर तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो आ, आप आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो अपने ये यूनिक वे से बता दिया सेकेंड पॉइंट सर टेक्निकल स्किल्स सर फ्रॉम लास्ट थ्री इयर्स आई हैव ऑल्सो टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव माई टेक्निकल स्किल्स करंटली आई कैन स्ट्रांगली स्ट्रांगली वर्क ऑन वेरियस इनोवेटिव टूल्स विच इज मेकिंग मी टेक्निकली स्ट्रांग तो फर्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक्स सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल स्किल्स थर्ड पॉइंट इज दैट माई प्रोफेशनल स्किल्स so for the last three years, i have taken lots of efforts to improve my professional skills. for that, i have participated in various college festivals. for that, i have participated in various intercollegiate inter festival for that, i have participated in various nss activity which has enhanced my professional skills. i have also done various internships, okay, which has given me to look corporate sector with various perspective. and fourth, and which is very much important point, is that my interpersonal skill,

दूसरा पैरामीटर है आपके टेक्निकल स्किल्स थर्ड पैरामीटर है आपका प्रोफेशनल स्किल्स एंड थर्ड फोर्थ पैरामीटर है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स तो सर मेरे में ये चार पैरामीटर ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चार पैरामीटर के ऊपर आप मुझे सेलेक्ट कीजिए डेफिनेटली ये चार पैरामीटर अगर आप अच्छी तरीके से कंपनी को या किसी भी इंटरव्यू में अगर बोल पाओगे तो डेफिनेटली आपका इम्प्रेशन क्रिएट होगा ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है ओके okay. तो चार पैरामीटर लाइफ में कहा भी, भी जाओ ये चार पैरामीटर के फोकस करो एकेडमिक्स टेक्निकल प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल दैट्स इट पूरे जीवन का सार इस चार पैरामीटर में आ गया आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा आगे के क्वेश्चन पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पता चलता है कि बंदा कितना तैयार करके आया है और कितने टॉप लेवल पे ये सोच सकता है इन एनी इंटरव्यू कि जहाँ पे भी आपका सैलरी पैकेज डिसाइड नहीं होता बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज अभी आपका सैलरी पैकेज डिसाइड करती है लेकिन जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन पूछती है कि आर यू हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सैलरी बराबर या जिस जिस कंपनी में सैलरी पैकेज डिसाइड नहीं होता जैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है कि जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कंपनी टू आस्क यू कि अरे आप आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट uh, करोगे ओके okay, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग फंबल होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम लोग फंबल होते हैं तो आपको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो जस्ट इमेजिन आपको किसने पूछा कि आपका सैलरी पैकेज कितना है या कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रेशर हो आप एफ आई एस वाई टी वाई में हो जस्ट एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको सिंपल भाषा में बोलना है सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कंप्लीटली फ्रेशर सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कंप्लीटली फ्रेशर सो रादर देन सैलरी माई मेजर एक्सपेक्टेशन इज़ टू लर्न माई मेजर एक्सपेक्टेशन इज़ टू लर्न Maximum things from your company. My major expectation is that apart from salary, my major expectation is to learn maximum things from your company. But talking about my salary, but talking about my salary, I am expecting the salary within, I am expecting the salary as per the market standard. Okay, as per the market standard. Okay. मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं डायरेक्टली सैलरी बता दो दस हज़ार चाहिए पंद्रह हज़ार चाहिए बीस हज़ार चाहिए तो ऐसा आपको गलती से भी बोलना नहीं है ओके okay, तो आपको स्ट्रेट uh, फॉरवर्ड आपको क्या बोलना है सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कम्प्लीटली फ्रेशर सो रेदर देन सैलरी आई एम माई मेजर इंटेंशन इज़ टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी सो टॉकिंग अबाउट माई सैलरी आई एम एक्सपेक्टिंग दैलरी एज पर दी मार्केट स्टैंडर्ड खुद से कभी भी सैलरी मत बोलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा लेकिन तभी भी अगर वो आपको पूछेगा आगे का बंदा कि नहीं यार कुछ तो सैलरी बताओ जो आप लेना चाहोगे तब अगर आप फ्रेशर हो तब आप बोल सकते हो आपको एक डिफाइंड सैलरी बोलना नहीं है कि मुझे दस हज़ार ही चाहिए मुझे पंद्रह हज़ार ही चाहिए इसके नीचे मैं लूगा नहीं ऐसा एरोगेंट एटीट्यूड आपको दिखाना नहीं है तो आपको क्या बोलना है अगर उसने आगे भी पूछा तो आपको यही बोलना है सर आई एम एक्सपेक्टिंग दी सैलरी विद इन दी ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट आपको बोलना है आई एम एक्सपेक्टिंग दी सैलरी विद इन दी ब्रैकेट ऑफ टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड ओके आई एम एक्सपेक्टिंग दी सैलरी विद इन दी ब्रैकेट ऑफ टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड दैट्स इट बट आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन बिकॉज लाइफ में ऐसे बहुत सारे चांसेस आएंगे आपके पास कि प्रोफाइल बहुत अच्छा है आपको सीखने को बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है दस हज़ार लेकिन वो बंदा दे रहा है आठ हज़ार तो आप उसको क्या लूज़ करोगे डेफिनेटली यू शुड नॉट लूज़ इट तो आपको यही बोलना है कि, कि सर अगर अच्छा प्रोफाइल है तो आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन अगर अच्छा प्रोफाइल है तो आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन So again, I am saying, how will you answer this question, sir? At this point of time, I am completely fresher. Okay. Talking about my salary, I am expecting the salary as per the market standard. But to be precise, but to be precise, I am expecting the salary within the bracket of ten to twenty thousand. But I am ready for negotiation. नेगोशिएशन का वर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो 100 परसेंट उस बंदे को समझेगा कि ये बंदा बहुत मैच्योर्ड बंदा है इसकी थिंकिंग बहुत मैच्योर्ड है एंड इस बंदे के साथ काम करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग इंटरव्यू में ऐसे बोलते कि सर मुझे दस के नीचे एक रुपया भी मिलेगा ना तो आई विल नॉट वर्क तो ऐसा एटीट्यूड आज के ज़माने में चलता नहीं डेफिनेटली सबको पता है कि आप सैलरी के लिए आए लेकिन गलती से भी आप सिर्फ सैलरी के लिए ही काम करते हो ऐसा एटीट्यूड आपको वहाँ पे दिखाना नहीं है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा ओके okay? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसा है क्या है तो अभी आगे का क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एवरीवेयर आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो क्वेश्चन है वेयर वुड यू लाइक टू बी इन यूर करियर आफ्टर फाइव ईयर्स पाँच साल की बात आप खुद को कहाँ पर देखना पसंद करोगे ओके okay, तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू में लिया था ओके okay, जहाँ पे भी हमारे सेमिनार्स हुए थे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर ये क्वेश्चन इसका आंसर में बोलूँगा कि आई लाइक टू बिकम अ सी ऑफ योर कंपनी आई लाइक टू बिकम अ मैनेजर ऑफ़ दिस पर्टिकुलर कंपनी ओके आई लाइक टू डू दिस आई लाइक टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस तो गलती से भी आपको ये ऐसे अलग अलग हवे वाले आंसर्स नहीं बोलना है स्टेट फॉर आपको बोलना है सर आफ्टर फाइव ईयर्स डाउन द लाइन आफ्टर फाइव ईयर्स डाउन द लाइन आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एट सच पोजिशन वेर आई एम फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग पाँच साल के बाद मुझे खुद को ऐसे पोजीशन पे देखना है जहाँ पे आई एम फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग डेट सीट ये बोल के निकल आइए इसका मीनिंग क्या है जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे ये आ, समझ लीजिए बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली स्ट्रॉग मतलब पाँच साल के बाद आपको डेढ़ लाख रुपये का सैलरी मिल रहा है पाँच साल के बाद आपको डेढ़ लाख रुपये का सैलरी मिल रहा है लेकिन आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो तो इट विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस ये कुछ भी सेंस बनेगा नहीं बिकॉज ऑफ पैसा बहुत आ रहा है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ पे अच्छा तरीके का बराबर और पाँच साल के बाद आपको किसी कंपनी का सी बना दिया प्रोफेशनली आपको बहुत बड़ा पोजिशन मिल गया लेकिन सैलरी मिला आपको दस हज़ार रुपया विल यू बी हैप्पी ऑफकोर्स नॉट तो पाँच साल के बाद आपको दो पैरामीटर सक्सेसफुल करना है पहला पैरामीटर मतलब आपको ऐसी सैलरी चाहिए कि जिस सैलरी के ऊपर आप अपनी लग्जरियस लाइफ आप अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकते हो कि जहाँ पे आपका खुद का घर है आपकी खुद की गाड़ी है एंड आपकी फैमिली एक अच्छी तरीके की लाइफ जी रही है और पाँच साल के बाद आपको ऐसा प्रोफाइल चाहिए कि जिस प्रोफाइल के ऊपर आप कुछ एक अलग अपने लाइफ में किया ये इंडिकेट होना चाहिए तो आपको एक सिंपल वर्ड में बोलना है सर आफ्टर फाइव ईयर्स डाउन द लाइन आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एट सच पोजिशन वेर आई एम फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली स्ट्रॉग दैट्स इट इंटरव्यू में जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा है ओके okay? अभी आगे का क्वेश्चन है आपके लिए जो है व्हाट इज योर आइडियल कंपनी बराबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, पता चलता है कि बंदा डिप्लोमेटिक वे से आंसर कर सकता है कि नहीं इमेजिन करो कि आप टी के इंटरव्यू के लिए गए एंड वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा कि विच इज़ योर आइडियल कंपनी तो आप वहाँ पर नहीं बोल सकते कि इन्फोसिस मेरी आइडियल कंपनी आप यू कैन अंडरस्टैंड कि आप गए हैं वन प्लस वन प्लस के इंटरव्यू के लिए बैठे एंड आपको पूछा वन प्लस के एच ने कि अरे आपका आइडियल कंपनी कौन सा है तो आप एप्पल नहीं बोल के आ सकते आप डी के इंटरव्यू के लिए गए हो डी और डी के एच ने पूछा कि आपका फेवरेट आइडियल कंपनी कौन सा है तो आप बोल नहीं सकते कि मेरा बिग बाज़ार आइडियल कंपनी है तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे तो आपको बोलना है कि, कि सर ओके डेफिनेटली सर वेरी मच ट्रिकी क्वेश्चन सर डेफिनेटली इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ओके माई आइडियल कंपनी एज फर मी आइडियल कंपनी वही है कि जहाँ पे आई कैन इन्हांस माई मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स आइडियल कंपनी सर मेरे लिए वही है कि जो मेरे लिए मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि जहाँ पे आई कैन इन्हांस माई मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डू बिलीव दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डू बिलीव दैट योर कंपनी कैन प्रोवाइड मी दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड डैट्स वाई यूर कंपनी कैन बी माई आइडियल कंपनी ओके सर मुझे ऐसे कंपनी मेरे लिए आइडियल है कि जो मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि जहाँ पे आई कैन इन्हांस माई मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू आर्स जो टाइम मैंने आपके कंपनी के साथ स्पेंड किया तो जहाँ से मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि यूर कंप कंपनी कैन गिव येस्ट ऑफ ब्लेस बेस्ट प्लेटफॉर्म यह आंसर आपको हर जगह पर रिप्लीकेट करना है यह आंसर आपको सब जगह पर बोलना है किसका भी ईगो आपको हट करना नहीं है अगर आप ईगो हट करते बैठे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा एंड आपका थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन भी चले जा सकते हैं ओके okay, तो यह क्वेश्चन को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उस क्रॉस क्वेश्चन को आपको संभालने को आना चाहिए ओके okay? आगे का क्वेश्चन है वॉट मोटिवेट्स यू टू डू अ गुड जॉब ओके okay, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है इससे पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है वॉट मोटिवेट्स यू टू डू अ गुड जॉब आपको अच्छा जॉब करने के लिए कौन मोटिवेट करता है क्या फैक्टर्स आपके दिमाग में है कि जिसकी वजह से आप अच्छा जॉब करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो इसका क्वेश्चन हर बंदा करता है सैलरी सैलरी अच्छा होगा तो हम अच्छा जॉब करेंगे ओके okay, तो आपको ये कोई आंसर यही नहीं, नहीं करना है आपको सिर्फ बोलना है सर मेरा अगर अच्छा प्रोफाइल है तो प्रोफाइल मुझे मोटिवेट करेगा अच्छा काम करने के लिए प्रोफाइल मतलब आप क्या काम कर रहे हो दैट प्रोफाइल विल मोटिवेट मी बिकॉज दैट प्रोफाइल विल मेक श्योर दैट कि मैं ऑफिस में टाइम पे पहुँचूँ बिकॉज अगर आपको जॉब अच्छा लग रहा है वो काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आपका सैलरी ऊपर नीचे होगा तो भी आप अच्छा काम करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉब प्रोफाइल दूसरी चीज़ होती है हंड्रेड आपका सैलरी बराबर आपका जॉब आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सैलरी बहुत कम है जिसके ऊपर आपके फैमिली का कुछ भी आ, आपका फैमिली को आप नहीं सस्टेन कर पा रहे हो तो डैट सैलरी का क्या काम का तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जॉब प्रोफाइल एंड दूसरा है आपकी सैलरी या फिर तीसरी चीज़ आप बोल सकते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है वेदर इट इज़ मोटिंग मोटिवेटिंग और नॉट तो वर्क इन्वायरमेंट चौथी चीज़ होती है कि आपका वॉट वी कैन से आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके ऑफिस में सेफ्टी प्रिकॉशंस कितने ले रहे गर्ल्स के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है Uh, पाँचवीं चीज़ ये भी हो सकती है कि माई फ्यूचर एक्सपोजर मुझे उस कंपनी के तरफ से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसी चीज़ें हैं ये पाँच फाइव टू सिक्स फैक्टर जो आप हर जगह पर जाके बोल सकते हो वॉट मोटिवेट्स यू टू डू अ गुड जॉब सबसे पहले जॉब प्रोफाइल दूसरा है आपका सैलरी ओके वर्क वर्किंग कंडीशंस सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स एंड वेयर कंपनी कैन टेक मी इन फ्यूचर तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच कैन मोटिवेट मी फॉर डूइंग अ गुड जॉब ओके बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ पे आप आ, किसी एफ कंपनी में जाओगे या जहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है जहाँ पे आपको मैक्सिम लोगों के साथ बात करना पड़ता है वहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपको टीम लीडर बनना पसंद है कि टीम मेंबर बनना पसंद है आपको टीम लीडर बनना पसंद है कि आपको टीम मेम्बर बनना पसंद है तो डेफिनेटली इन इनिशियल टाइम ऑफ योर करियर जब तक आपको कॉरपोरेट में एक से दो साल तीन साल पूरा नहीं होता आग बन करके आपको बोलना है सर एट दिस पॉइंट टाइम आई एम कम्प्लीटली फ्रेशर तो मुझे टीम मेम्बर ही बनना पसंद होगा टीम मेबर मुझे टीम मेम्बर ही बनना पसंद होगा जब मैं मैक्सम लेवल पर सीखूंगा वेन आई विल इंक्रीज माई पर्सनैलिटी विला आई आई विल इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस वेन आई विल अंडरस्टैंड दंपनी इन ए बेस्ट ऑफ बेस्ट मैनर दैट टाइम सर आई विल थिंक ऑफ बिकमिंग अ टीम लीडर बट अंडर यूअर गाइडेंस उसको इंपॉर्टेंट दीजिए जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको बोली कि सर आपके गाइडेंस के अंदर मुझे टीम लीडर बनना पसंद आएगा बट आफ्टर फ्यूअर्स डाउन द लाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय मेजर इंटेंशन इज टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी ओके तो टीम लीडर या टीम मेम्बर इसमें आपको विदाउट एनी हेजिटेशन बोल के आना है सर आई वॉन्ट टू बिकम अ टीम मेंबर तो आई होप ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर क्लियरिफाई किया होगा ओके okay? अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट काइंड ऑफ गोल्स वुड यू हैव इन माइंड इफ़ यू गॉट the जॉब आपके माइंड में ऐसे कौन से गोल्स होने होंगे अगर ये जॉब आपको मिलेगा तो डेफिनेटली उसको बोलना है सर देर आर टू टाइप्स ऑफ गोल इन एनी एनी ह्यूमन बींग कौन से भी ह्यूमन बींग होगा तो उसके माइंड में दो गोल्स uh, होते हैं पहला गोल है शॉर्ट टर्म गोल एंड दूसरा गोल है लॉन्ग टर्म गोल ओके तो आप बोल सकते कि सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि जो कंपनी ने मुझे रिस्पॉन्सिट दी है एट इनिशियल टाइम एट इनिशियल लेवल पे उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितने जल्दी हो सके पूरा करके कंपनी को प्रॉफिट करवा के देना प्रॉफिट वर्ड हर एक कंपनी को अच्छा लगता है जितने टाइम आपके कम्युनिकेशन uh, से प्रॉफिट ये वर्ड निकलेगा प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट मार्जिन तो डेफिनेटली कंपनी आपको अलग तरीके का ट्रीटमेंट देगी बराबर तो शॉर्ट टर्म लेवल पे सर मुझे जितना काम दिया उसको अलग तरीके से करना एंड मुझे कंपनी का प्रॉफिट करवा के देना एंड लॉन्ग टर्म गोल मेरा यही है सर कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लेवल पे खुद को तैयार करना है कि जहाँ पे कंपनी कैन गिव मी अ मैक्सिमम एंड बिगर रोल बिकॉज मैं अपना फ्यूचर इसी कंपनी में देखता हूँ यह वर्ड बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वर्ड से ये दिखना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इस कंपनी में रहने को आए हो बिकॉज ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन किसी भी कैंडिडेट से अगर कंपनी को दिखी बिकॉज क्या होता है कि मैक्सिमम लोग एक साल दो साल के लिए काम करते हैं छः महीने के लिए काम करते हैं फिर अपने छोड़ देते हैं फिर कंपनी इसमें बहुत नुकसान होता है तो इसके लिए हमेशा जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको हमेशा ये बोलना है कि सर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म गेम खेलने को आया हूँ यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने के लिए आया हूँ ये चीज़ें अगर आपने इस पर्टिकुलर गोल के वर्ड्स के थ्रू उस कंपनी को बोल दिया तो आपका डेफिनेटली चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ना ही बढ़ना है हंड्रेड बढ़ना है ओके तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगे आगे का क्वेश्चन है आर यू विलिंग टू रीलोकेट आर यू विलिंग टू रीलोकेट तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बोल सकते हो रिलोकेट मतलब क्या सपोज आप अभी आप मुंबई में हो अगर आपका हमने बेंगलोर का पोजीशन दिया अगर आपने आपको हमने पुणे का पोजीशन दिया तो कैन यू गो देयर तो इसका आंसर विदाउट एनी थिंकिंग हाई होना चाहिए यहाँ पे आपका कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया या कम्युनिकेशन कंफ्यूजन दिखा तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करेगी तो बाद में जो होगा देखा जाएगा अभी क्यों ना बोलना है तो आपको हर जगह पर विदाउट एनी एनीटेशन बोलना है सर कंपनी जो मुझे रिस्पॉन्सिलिटी देगी उस रिस्पॉन्सिलिटी को मैं फुलफिल करेगा और मैं आगे जाएगा ओके okay, तो डेफिनेटली सर आई एम विलिंग टू रीलोकेट ओके एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन कोई भी कंपनी क्वेश्चन पूछती है, पूछती है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट देना है बिकॉज ये जो क्वेश्चन मैक्सिम लोग आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो मैक्सम लोग पूछते कि सर मेरा सैलरी कभी बढ़ेगा कंपनी का टाइमिंग क्या होता है नाइन टू फाइव का ही टाइमिंग है ना तो ऐसे आ, क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस आपको पूछना नहीं है तो इस क्वेश्चन को क्या पूछेंगे सर मैं फ्रेशर हूँ तभी तो मैं मार्केटिंग में अगर आप काम काम कर रहा हूँ तो कैन आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अदर डिपार्टमेंट मुझे बाकी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा क्या या पूछिए जिससे आपको पता चलेगा कि इस बंदे को सीखने की बहुत चाहत है सर आप आ, हमारे कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है कि हमारा कुछ एनुअल फंक्शन होता है क्या बिकॉज मुझे सर सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है सर मुझे डांसिंग बहुत अच्छा लगता है तो आई कैन शो माई वॉट वी कैन से आई कैन शो माई टैलेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कि जो आपके हुनर को इनडायरेक्टली लोगों के सामने लेके आएंगे या आप पूछ सकते अब और अब क्वेश्चन क्या आप पूछ सकते कि सर आई एम वेरी गुड एट सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे यूट्यूब फेसबुक ट्विटर अच्छे तरीके से यूज करने को आता है सो डू वी हैव एनी काइंड ऑफ दिस कांड ऑफ डिफरमेंट वेयर आई कैन आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई स्किल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो ऐसे स्किल्स अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली बंदा इंप्रेस हो जाएगा जो इंटरव्यू आपका ले रहा है एंड जहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस भी हो, हो सकते हैं या सैलरी छोड़िए लेकिन आपका एक इंप्रेशन अलग तरीके से इंटरव्यू में हो गया तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है ओके तो ये दस क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया तो डेफिनेटली ये दस क्वेश्चन से आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप आगे कैसे जा सकते हैं इसका एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको समझा होगा ओके तो ये थोड़ा सा हमारा एक फर्स्ट वीडियो था या सेकेंड वीडियो आप बोल सकते हो कि जो हमने आज यूट्यूब स्ट्रीमिंग लाइव यूट्यूब लाइव किया तो ऐसे हम अलग अलग वीडियोज आपके सामने लेके आएंगे इंटरव्यू होगा ग्रुप डिस्कशन हो गया बैंकिंग एग्जाम्स हो गए ओके आपको ब्लॉगिंग कैसे करना है यूट्यूब चैनल को कैसे मेंटेन करना है ओके आप लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक कैसे चेंजेस होगी तो अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जिसके थ्रू हम आपके पास आएंगे आपके साथ कम्युनिकेशंस करेंगे तो अभी जितने भी लोग इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल को वीडियो को देख रहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए जिससे आपको आगे की हर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू मिलेगी जो लोग इंस्टाग्राम पे है हमारा ब्राइट वेज अंडर स्कोर एम बी ए ब्राइट वेज अंडर स्कोर एम बी ए करके एक पेज है ब्राइट वेज अंडर स्कोर एम बी ए एक पेज है उस पेज को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ के वहाँ पे भी आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जितने भी स्टूडेंट अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए उसको स्किप मत कीजिए ओके okay, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमको सुन रहे होंगे तो मैंने स्क्रीन पे ये नंबर दिया है सेवन सेवन वन जीरो नाइन इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हम आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसके थ्रू आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऐसे लाइव की इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले आपको मिलती जाएगी ओके okay, तो ऐसे मैनी सेमिनार सारी पाइपलाइन जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं ओके एंड लॉकडाउन के बाद जैसे मैंने बोला आज हम यूट्यूब के थ्रू आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं बट इन फ्यूचर हम आपको इसके लिए आपके अलग अलग सिटीज़ में सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आप उस सेमिनार को अटेंड करके आपके एक्सपर्ट इसको बढ़ा सकते हो ओके okay? तो अभी आपके दिमाग में जो भी कुछ डाउट्स होगा वो डाउट्स को आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ओके okay? जिसके थ्रू हम आपके अलग अलग इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वॉट एवर डाउट्स यू गाइज आर हैविंग ओके आप इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन जो भी होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा उस इंटरव्यू के क्वेश्चन को मैं खुद एनालिसिस करके आपको आंसर करूंगा ओके तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डेफिनेटली इन्होंने इंप्रूव किया होगा तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए विद इन वन आवर यू विल गेट दी आंसर ऑफ क्वेश्चंस ओके जिन्होंने अभी तक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दीजिए जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप कि हमारे uh, इस पर्टिकुलर थर्टी एट्स मिनट के वीडियो में आपका कुछ नॉलेज uh, इन्हांसमेंट किया होगा अगर इन्हांस किया होगा तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक like कीजिए इस वीडियो को आपके बाकी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियोज ओके तो आई होप कि अलग टॉपिक हम बाद में आपके व्हाट्सएप के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके सामने लेके आएंगे तो थैंक्स लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड